हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से और एक चीज वायरल हो गया कुछ महीना पहले, एक महीना पहले जेसीबी की खुदाई वायरल हुआ था, जहाँ पे वायरल होने वाला ऐसा कुछ नहीं था। फिर दो एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले एक चीज वायरल हुआ, वो बोटल कैप चैलेंज। सब लोग अपने लात से बोटल का जो ढक्कन है वो ओपन कर रहे हैं, बट ये सारे दोनों का वायरल टाइम खत्म होने से पहले ही फिर से और एक चीज वायरल हो गया, जिसका नाम है फेस ऐप। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये फेस ऐप क्या है, ये कैसे काम करता है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, उसके साथ साथ क्या है इसका प्रॉफिट एंड क्या है इसको यूज करने का लॉस, तो सारा चीज डिटेल में। तो ये वीडियो को देखते रहे, उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौमदीप नंदी, टेकमेंट के न्यू वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये जो फेस ऐप है ये बेसिकली क्या करता है, ये जो फेस ऐप है ये अगर आपका कोई भी फोटो है तो ये उस फोटो को चेंज करके आज से 50-60 साल बाद बुढ़ापे पे आप कैसे दिख सकते हो वैसा ही एक फोटो आपको बना के दे देगा। बेसिकली ये जो ऐप है ये एप्लीकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्या काम करता है। अब दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है इसको हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, फेस ऐप इसका नाम है, जिसका ऑलरेडी 100 मिलियन प्लस डाउनलोड हो चुका है प्ले स्टोर से। और ये जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, फिर आपका फेसबुक आईडी या आपका फोन नंबर से इस पर लॉग इन कीजिए, फिर आपके पास गैलरी का एक ऑप्शन आएगा, आप उस गैलरी ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद कोई भी एक सिंगल फोटो आप अगर इस ऐप को दे देंगे तो वो 5 से 10 सेकेंड के अंदर प्रोसेसिंग करके आपका जो भी पिक्चर बनेगा आज से 50-60 साल बाद, मतलब बुढ़ापे पे वैसी फोटो बना के आपको दे देगा। बेसिकली दोस्तों इस पे बता के रखता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है फेस ऐप ये कोई नया एप्लीकेशन नहीं है, ये एप्लीकेशन बना था 2017 साल में, बट तब ये एप्लीकेशन इतना वायरल नहीं हुआ। अब एक क्वेश्चन आता है कि अचानक से क्या हो गया, जैसे कि ये फेस ऐप इतना वायरल हो गया, लोग इतना यूज कर रहे हैं। बेसिकली 2017 पे जो जब ये बना था तब उतना इंटरनेट पर हाइप नहीं था, हाइप था बट उतना नहीं था। बट अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज, ज्यादातर सेलिब्रिटीज क्या किया है, ऐसे ही फेस ऐप पे अपना फोटो डाल के उसका बुढ़ापा का फोटो चेंज करके उसको सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सारे जगह पे उसको पोस्ट कर दिया है। और एक मेन चीज जो हुआ है कि अर्जुन कपूर ने भी इस ऐप को यूज करके फोटो बनाया था, उसको अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, जहां से ये जो ऐप है इसका वायरल होना स्टार्ट हुआ। और धीरे धीरे लोग इंटरनेट पे ज्यादा एक्टिव है, लोग नेट ज्यादा यूज करते हैं, सबको इसको ट्राई करते गए और धीरे धीरे ये ऐप जो ही ऐप वायरल हो गया। अब बात है कि ये जो ऐप है इसका डाउनलोड हो चुका है 100 मिलियन प्लस, मतलब आप समझ रहे हो कि ये जो ऐप डेवलपर है ये कभी सोचा ही नहीं था कि इसका एक ऐसा ऐप कभी वायरल हो सकता है, और 2 से 3 दिन के अंदर ये करोड़ रुपया ऑलरेडी कमा चुका है। अब दोस्तों अगर बात करते हैं इस ऐप का प्रॉफिट और इस ऐप का जो नेगेटिव साइड है, जो लॉस है इसके बारे में यूज करने का, तो पहला जो आता है कि इसका जो प्रॉफिट है वो क्या है कि आप बहुत अच्छे से आपका एक नया फोटो बना सकते हो जहां पे एक नया एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा, एक फन टाइप का है। बट इसका लॉस जो है वो क्या है ये मैं बता देता हूं। दोस्तों क्या है, ये जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल किए, फिर जब इंस्टॉल करके आप ओपन करने जाओगे, पहले ही आपके पास आपका जो गैलरी या एल्बम या फोटोज जो भी है उसका एक्सेस मांगेगा, आप उसको अलाउ एक्सेस कर दोगे तो मतलब क्या हुआ, इसका जो आपका जो भी गैलरी है उसका एक्सेस उसको मिल गया। उसके बाद क्या होगा, अगर ये फेसबुक आप या आपका नंबर से अगर लॉग इन कर रहे हो तो क्या होता है कि आपका जो भी फेसबुक का डिटेल्स है सारा डिटेल्स इसको मिल जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड करके ही आपके सारे डिटेल्स को इकट्ठा करके एआई इस पे बाद आपका जो फोटो है उसको ट्रांसफर करके आपका बुढ़ापा का फोटो बनाएगा, जो नया फोटो आपका बनेगा। बट अभी कभी सोच के देखे हो कि आपका जो फेसबुक आईडी दे रहा है उस पे आपका पर्सनल डिटेल्स है, वहां से आपको बहुत सारा डिटेल्स फ्लैश होने का चांस है। इसको छोड़ के आपका जो भी फोन नंबर है उस फोन नंबर के साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक रहता है, तो पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा इनसिक्योरिटी का चांस रह जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है ये आपका डेटा लेके कुछ भी करेगा, बट क्या होता है कि ऐसा खुले प्लेटफॉर्म में जहाँ पे अगर कोई भी सिक्योरिटी का थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया तो बहुत सारे हैकर है जो आपका ये सारा डिटेल्स को यूज करने के बाद आपके साथ कोई भी बुरा काम कर सकते हैं। तो बेसिकली
क्या है, मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग अभी भी ये ऐप को यूज नहीं किए हो तो ठीक है मत यूज करो, और अगर आप यूज कर चुके हो, आपका एक दो फोटो आप इस पे बना चुके हो, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर चुके हो, तो अभी इस ऐप को लॉग आउट करो, उसके बाद इसको अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि सेफ्टी इज द नंबर वन प्रायोरिटी। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन जो बना है, जो डेवलपर कंपनी है, वो शायद इस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट बहुत सारे हैकर है जहां पे आपका जो डेटा है वो हैक होके बाहर निकलने का चांस रह जाता है। तो सेफ्टी को मुद्दे नजर रखते हुए आप एक ही काम कीजिए, प्लीज इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए अगर यूज कर चुका, अगर यूज नहीं किए हो तो आप प्लीज 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 ऐप को यूज मत करना, हो सकता है कि आपका डेटा लीक हो सकता है। तो बेसिकली बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मैं उम्मीद करूंगा मेरा जो कोशिश था आप लोगों को इस ऐप के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देने का वो सफल हुआ होगा, आप लोगों को भी थोड़ा बहुत वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे नहीं तो स्क्रीन पे दिखा गया इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को पिंग करके पूछ सकते हो, मैं हमेशा कोशिश करूंगा आपका हर एक क्वेश्चन का जवाब देने का। और एक चीज, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि इस पे ऐसा इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी जानना बहुत जरूरी है, तो आप इस वीडियो को शेयर करो। बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। तो वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।